Out of this code, first of all, we are declaring one variable called as int a. सबसे पहले वेरिएबल ए के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे विद इनिशियल वैल्यू गार्बेज. करेंटली ए के इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ इसका, जाए गार्बेज वैल्यू. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशंस. इस करेंटली इफ के अंदर प्रोवाइड किया सम एक्सप्रेशन लाइक ए इक्वल्स टू वन एंड जीरो. सबसे पहले इस केस में एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कंडीशंस, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. इन दैट केस इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल टू ऑपरेटर्स यूज किए, एंड ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर. विच वन गेट्स अ हाई प्रायोरिटी, एंड और असाइनमेंट के केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, एंड ऑपरेटर का, देन असाइनमेंट ऑपरेटर. सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में सबसे पहले अप्लाई करेंगे कर्ली ब्रेसेस. तो कर्ली ब्रेसेस मैंने ड्यूरिंग ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन किया था, कर्ली ब्रेसेस सबसे पहले अप्लाई करेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स. इन दैट केस हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, एंड का. तो सबसे पहले एंड के रिस्पेक्ट में चेक करें व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेंड फॉर एंड और सेकेंड ऑपरेंड फॉर एंड. एंड के केस में फर्स्ट ऑपरेंड क्या है वन, एंड सेकेंड ऑपरेंड क्या इसके लिए जीरो. फर्स्ट ऑपरेंड इज वन, सेकेंड ऑपरेंड इज जीरो. देन असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, फुल एक्सप्रेशन और एंड एक्सप्रेशन क्या है इस केस में. अब एंड एक्सप्रेशन बिकम्स सेकेंड ऑपरेंड टू द असाइनमेंट. प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इस केस में अगर फिजिकली देखा जाए, फिजिकली ऐसा लग रहा है लुक्स लाइक ए इज इनिशियलाइज्ड बाय वन. इस केस में जब प्रायोरिटी रूल्स और एसोसिएटिविटी रूल्स को फॉलो करके सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एंड के रिस्पेक्ट में चेक करें फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या है वन, वन मीन्स ट्रू. सेकेंड कंडीशन क्या है जीरो, जीरो मीन्स फॉल्स. अगर एंड के केस में एक भी कंडीशन फॉल्स है देन इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या था फाइनली, ऑल्सो जीरो. फाइनली से एंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ, एंड एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे एज अ फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो, लाइक दैट. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व करें, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग से एक्सप्रेशन का होल रिजल्ट क्या रिज हुआ एज अ जीरो, एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे जीरो. नाउ जीरो इज इनिशियलाइज टू द ए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली जीरो. इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद और असाइनमेंट कंप्लीट होने के जस्ट बाद अब ए के प्लेस पर ए का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, ए का वैल्यू जीरो, तो इसलिए ए के प्लेस पर रिप्लेस भी क्या कराएंगे, ऑल्सो जीरो. जीरो को अकॉर्डिंग कंडीशन के साथ ट्रू और फॉल्स, जीरो मीन्स फॉल्स, फॉल्स है तो इसके इसमें कंट्रोल कंसेंट हुआ इन साइड बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराया गया वैल्यू ऑफ ए, प्रिंट एफ ए, इसलिए इसका आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ इससे, ए का वैल्यू जीरो फाउंड हुआ, इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ इससे जीरो. मीन्स दोनों ही केसेस में इफ बॉडी और एल्स बॉडी के अंदर डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ ए, लेकिन फाइनली ए का वैल्यू प्रिंट किससे हो रहा है, बॉडी ऑफ इफ और बॉडी ऑफ एल्स, बॉडी ऑफ एल्स, बिकॉज कंडीशन